आज उसका मैं विशेष रूप से जिक्र करूंगा। आप सभी को ध्यान होगा कि जब भारत ने अपनी वैक्सीन बनाई थी तो कुछ लोगों ने किस तरह का दुष्प्रचार करने की कोशिश की थी। इस दुष्प्रचार की वजह से समाज में कई तरह की अफवाहें फैलने लगी, लेकिन जब समाज के धर्मगुरु, आध्यात्मिक गुरु एक साथ आए, उन्होंने लोगों को अफवाहों पर ध्यान न देने को कहा और उसका तुरंत असर भी हुआ। भारत को उस तरह की वैक्सीन हेसिटेंसी का सामना नहीं करना पड़ा जैसा अन्य देशों को देखने को मिला। आज सबका प्रयास की यही भावना है जिसकी वजह से भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम सफलतापूर्वक चला पाया। साथियों, इस बार लाल किले से मैंने अमृतकाल के पंच प्राणों का एक विजन देश के सामने रखा है। इन पंच प्राणों में से एक है गुलामी की मानसिकता का संपूर्ण त्याग। इसकी इस समय देश में खूब चर्चा भी हो रही है। इस मानसिकता का जब हम त्याग करते हैं तो हमारे कार्यों की दिशा भी बदल जाती है। यही बदलाव आज देश के हेल्थ केयर सिस्टम में भी दिखाई दे रहा है। अब हम अपने पारंपरिक ज्ञान और अनुभवों पर भी भरोसा कर रहे हैं, उनका लाभ विश्व तक पहुंचा रहे हैं। हमारा आयुर्वेद, हमारा योग आज एक विश्वसनीय चिकित्सा पद्धति बन चुका है। भारत के इस प्रस्ताव पर अगले वर्ष पूरा विश्व इंटरनेशनल मिलेट ईयर मनाने जा रहा है। मोटा धान, मेरी अपेक्षा रहेगी कि आप सभी इस अभियान को भी इसी तरह आगे बढ़ाते रहें, अपनी ऊर्जा देते रहें। साथियों, स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं का दायरा केवल अस्पतालों, दवाओं और इलाज तक ही सीमित नहीं होता है। सेवा से जुड़े ऐसे कई कार्य होते हैं जो स्वस्थ समाज की आधारशिला रखते हैं। उदाहरण के लिए, स्वच्छ और शुद्ध पानी तक सामान्य से सामान्य नागरिक की पहुंच, ये भी ऐसा ही महत्वपूर्ण विषय है। हमारे देश में कितनी ही बीमारियां केवल प्रदूषित पानी से ही पैदा होती रही है। इसलिए देश ने 3 साल पहले जल जीवन मिशन जैसे देशव्यापी अभियान की शुरुआत की थी। इन 3 वर्षों में देश के 7 करोड़ नए ग्रामीण परिवारों को पाइप से पानी पहुंचाया जा चुका है। विशेष रूप से इस अभियान में हरियाणा सरकार ने भी प्रभावी कार्य किया है। मैं उसका भी विशेष रूप से जिक्र करना चाहता हूं। हरियाणा आज देश के उन अग्रणी राज्यों में है जहां घर घर पाइप से पानी की सुविधा से जुड़ चुका है। इसी तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी हरियाणा के लोगों ने बेहतरीन काम किया। फिटनेस और खेल, ये विषय तो हरियाणा की रगों में है, उसके हरियाणा की मिट्टी में है, यहां के संस्कारों में है, और तभी तो यहां के युवा खेल के मैदान में तिरंगे की शान बढ़ा रहे हैं। इसी गति से हमें देश के दूसरे राज्यों में भी कम समय में बड़े परिणाम हासिल कर रहे हैं। हमारे सामाजिक संगठन इसमें बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। साथियों,
सही विकास होता ही वो है जो सब तक पहुंचे, जिससे सबको लाभ हो, गंभीर बीमारी के इलाज को सबके लिए सुलभ कराने की ये भावना अमृता अस्पताल की भी है। मुझे विश्वास है कि सेवा भाव का आपका ये अमृत संकल्प हरियाणा के, दिल्ली एनसीआर के लाखों परिवारों को आयुष्मान बनाएगा। एक बार फिर पूज्य अम्मा के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए अनेक अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके इन प्रेरणादायी एवं चिंतनशील वचनों के लिए आपका अतिशय धन्यवाद। आपने सच कहा कि अध्यात्म को पुनर्जागृत करने वाली हमारी अम्मा एवं राजनीति को नई दिशा एवं ऊंचाई देने वाले आप। जब आप दोनों का साथ और सानिध्य हो जाएगा तो भारत सच में विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हो जाएगा। वास्तव में ये दो दिव्यताओं के एकात्म का साक्षी पल है और जिसके साक्षी बने आप सब। हम एक बार पुनः मन से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि आज आपने यहाँ आकर हम सभी का मानवर्धन किया। हम धन्यवाद